नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, आईटीसी ये इस रिजल्ट का इंतजार मुझे लगता है, मतलब जिनके पास ये शेयर नहीं भी है उनके पास भी, उनको भी शेयर के रिजल्ट के अंदर इतना था जितना जिनके पास ये शेयर है उनको था, क्योंकि जिनके पास ये नहीं था वो इसमें निवेश के मौके ढूंढ रहे थे दोस्तों, क्योंकि उनका मानना था कि अब क्या, क्योंकि एक जो आपने सुना होगा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो क्या आईटीसी के अब अच्छे दिन आने वाले हैं, ये सबको जानना था। और दोस्तों, इस रिजल्ट से ये चीज मैं बता दूं कि आईटीसी के अच्छे दिन आएंगे। दोस्तों देखिए, आप वो कहावत सुनी होगी आपने कि आप पानी को कितनी देर रोक सकते हैं, वो अपना रास्ता निकाल ही लेगा, और वही हाल ना मुझे इस आईटीसी के साथ लगता है दोस्तों। ठीक है, आप ESG फंड में नहीं आ रहे हैं, रीजन मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन दोस्तों जो उनके बिजनेसेस है ना, और जो ये परफॉर्म कर रहे हैं, और आने वाले समय में जो ये परफॉर्म करने के जो दिशा में बढ़ रहे हैं, जो दिखा रहे हैं दोस्तों, आईटीसी वाकई में एक मल्टी बैगर स्टॉक है ना। इसके जो प्रॉब्लम्स हैं कि इसमें सरकार इसमें स्टेक बेच रही है, और एक दो लोग और हैं, जैसे कि मैंने बताया LIC का इसमें स्टेक बहुत हैवी है। हाँ, लेकिन दोस्तों ये दो चार चीज जिस दिन हर्डल पार बना दोस्तों, ये वही मल्टीफोल्ड स्टॉक होगा दोस्तों, और 200 रुपए में इससे अच्छा स्टॉक आपको नहीं मिल सकता दोस्तों, जो इतना डिविडेंड देता हो, जो इतना मैनेजमेंट इतनी तगड़ी हो, जिसका फ्यूचर जो रेवेन्यू है वो इतना अच्छा हो, इसके बिजनेसेस दोस्तों जिस तरह से बढ़ रहे हैं ना, जैसे रिलायंस का जियो और रिटेल आ रहा है, उसका भी मैं आज रिजल्ट आपके सामने रखूंगा और अपनी बातें रखूंगा, अभी फोकस आईटीसी में है मेरा। तो दोस्तों ये सब चीजों में चर्चा करेंगे, ठीक है, आराम से बैठिएगा, थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है क्योंकि रिजल्ट है ये, ठीक है दोस्तों। और अगर आप इस चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों उसे प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, ऑफिशियल नेचर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, वहां जाकेंगे तो जो मेरे वीडियोस आते हैं मैं वो डालता हूं, और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रहती है वो मैं शेयर मार्क करता रहता हूं। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले ये देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है, FMCG मेजर ITC रिपोर्टेड 28.62% ईयर ऑन ईयर सर्ज इन स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट एट रुपीज 3013.49 करोड़ कंपेयर्ड विद 2342.76 करोड़ इन द ईयर अवर क्वार्टर। तो देखिए ये आपको ह्यूज आपको दिख रहा होगा कि सर्ज है 28.62% का, बट देखिए दोस्तों एक साल पहले क्या हाल था हमें पता है, लॉकडाउन के बाद, नेशनल लॉकडाउन के कारण, इसीलिए इसे इतना उतना फोकस नहीं करना है। नाउ द प्रॉफिट फिगर केम इन लोअर देन 3219 करोड़ एस्टिमेट बाय एनालिस्ट द इकोनॉमिक टाइम्स नाउ पोल। तो इनका जो एस्टिमेट था 3219 करोड़ का था, और रिजल्ट आया 3013 करोड़ का, जो कि लगभग सेम है दोस्तों, ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, ठीक है। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द क्वार्टर रोज 36% टू रुपीज 12,959.15 करोड़ कंपेयर्ड विद रुपीज 9,501.71 करोड़ द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। फिर मैं कहा दोस्तों हमें लास्ट ईयर में दोस्तों उतना फोकस नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि लास्ट ईयर दोस्तों हमको याद है नेशनल लॉकडाउन था, तो उसके कारण क्या हाल हुआ था पूरे लॉकडाउन के कारण, ये हमको बताने की जरूरत है नहीं दोस्तों, ठीक है। अपने को ये ध्यान रखना है कि भाई इनका जो ये सिक्वेंशियल ऑर्डर है वो कैसे आया है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखो। और एक और दोस्तों, मार्जिन फ्रॉम द क्वार्टर एक्सपांडेड टू 32.7% अगेंस्ट 29.7% इन द ईयर को। ये दोस्तों ना, ये पार्ट जो 32.7% इनका मार्जिन हुआ है, ये बहुत पॉजिटिव है दोस्तों, क्योंकि आईटीसी दोस्तों सबसे ज्यादा मार जिस चीज में खाता है ना दोस्तों, वो है इसमें दोस्तों, मार्जिन में, मार्जिन में, ठीक है, मार्जिन में ये बहुत मार खाता है। जहां बाकी FMCGs आपको 30% के आसपास का मार्जिन दिखाती है दोस्तों, ये आपको 15-17% का मार्जिन दिखाता है, इसीलिए इसकी सेल्स इतनी भयंकर होने के बावजूद प्रॉफिट इसका FMCG जनरेट नहीं कर पाता है दोस्तों, ठीक है। ये तो हो गई एक बात दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कि भैया इसमें क्या है, लोकलाइज्ड लॉकडाउन्स एंड मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय स्टेट्स इन अ बिड टू कंटेन द शार्प राइज इन डेली COVID-19 इन्फेक्शन द सेकेंड वेव्स रेंडर्ड द ऑपरेटिंग एनवायरमेंट ड्यूरिंग द क्वार्टर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग एंड इम्पैक्टेड द स्ट्रॉन्ग रिकवरी मोमेंटम विटनेस इन रीसेंट क्वार्टर। The situation continued to improve with the progressive easing of restriction and increased mobility from the mid-June. दोस्तों देखिए,
मिड जून के आसपास जो इनकी जो रिस्ट्रिक्शन थी, जो सरकार ने लगाई थी वो थोड़ी ढिलाई की थी, उसके बावजूद आप देखेंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी मानता हूं वो बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन दोस्तों ये बहुत ज्यादा गंदा रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, ऑपरेशन आपको पता है लोकल इम्पोज जो रिस्ट्रिक्शन उसके कारण कितना प्रॉब्लम हुई है ना, उसके बावजूद कंपनी ने अच्छा रिजल्ट पे किया है। ठीक है दोस्तों, और अगर इस क्वार्टर दोस्तों मान के चलिए अगर इस क्वार्टर में ये वेव निकल जाती दोस्तों, तो आप देखेंगे जो इसका रिजल्ट आएगा दोस्तों इसका आईटीसी का, वो एस्टॉनिशिंग रिजल्ट होगा दोस्तों। आपको इसकी सिगरेट में वॉल्यूम करते हुए दिखाई देंगे दोस्तों, इसके होटल बिजनेस आपको गजब के काम करते दिखाई देंगे, इसका एफएमसीजी बहुत अच्छा काम करते दिखाई देगा दोस्तों, और इसका जो इनका जो एग्रो बिजनेस है दोस्तों वो तो गजब काम कर रहा है। इंडिया ही नहीं दोस्तों, बाहर विदेश में इसके एक्सपोर्ट को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ इसी का था दोस्तों, और मेरे पिछली वीडियो में बताया था इसी एग्रो बिजनेस के एक्सपेंशन के कारण ही इनका जो फॉरेन एक्सचेंज था वो 29% से भी ज्यादा बढ़ के रेवेन्यू आया था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इतनी गजब चीज है दोस्तों, अब स्कूल भी खुल रहे हैं जिस कारण की जो स्कूल कॉपीज है उनके बिजनेस भी अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा दोस्तों। अब बात करते हैं भाई कि रेवेन्यू रिजल्ट कैसा हुआ दोस्तों ये क्वार्टर वन के जरिए में। ठीक है, आप देखेंगे जो इनके सिगरेट के वॉल्यूम्स, देखिए सिगरेट के वॉल्यूम्स, सिगरेट पिछली बार से देखिए क्या गजब केस में आपको बढ़ोतरी दिख रही है दोस्तों। वॉल्यूम्स देखिए, यहाँ पिछली बार 3854 था, अब आपको ये दिख रहे होंगे कितने भैया, ये आपको अब दिख रहे हैं 5000 के आसपास, 5122 में दिख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और अब अगर बात करें दोस्तों आगे बढ़ने की, तो भाई आप इसमें देखेंगे कि इनके अदर बिजनेस में क्या क्या था, इसके अदर बिजनेस क्या क्या आते हैं दोस्तों, तो इनके अदर बिजनेस होते हैं भाई, आपने आशीर्वाद आटा सुना होगा, एफएमसीजी बिजनेस आता है दोस्तों, बाकी चीजें आती हैं, तो उस पे इनका क्या कहना है, 3375 से आपको थोड़ा सा इसमें बढ़ोतरी दिख रही है लगभग 10.4% की। ठीक है, टोटल एफएमसीजी में भी बढ़ोतरी दोस्तों 22.4% की है ना। होटल बिजनेस आप देखिए 23 करोड़ सीधा 127 करोड़ दोस्तों, जबकि मिड जून के बाद ही रिलैक्सेशन हुई है। एग्री बिजनेस आप देखेंगे 9.2% गजब की तेजी है दोस्तों, और इसमें ये दोस्तों इसीलिए इतना कम दिख रहा होगा आपको क्योंकि पिछली बार जो इनका एग्री बिजनेस पिछले साल क्वार्टर में एग्री बिजनेस बहुत गजब का फाड़ के काम किया था दोस्तों, जिस कारण 9.2% की भी ईयर ऑन ईयर बेसिस की बढ़ोतरी मुझे बाकी ये जो 32% की बढ़ रही है ना दोस्तों 22% की मुझे ज्यादा लगती है 9.2%। पेपर बोर्ड्स पेपर एंड पैकेजिंग में तो दोस्तों पिछले बार इनकी हालत बहुत खराब थी, उसके बावजूद ही देखिए 52% का ईयर ऑन ईयर में गजब की बढ़ोतरी दोस्तों। ठीक है, आप टोटल देखेंगे कि भैया इनकी बढ़ोतरी देखिए 21% की रेवेन्यू में। ठीक है, अब मैं आपको चीज बता दूं कि भैया ये इनकी जो ईयर ऑन ईयर की गजब की रिकवरी हुई है क्या ये आने वाले समय में अच्छी हो सकती है दोस्तों, तो दोस्तों मैं बता दूं वाकई में ये अच्छी है दोस्तों। आप बस एक दो क्वार्टर इनको अब जो कोरोना वायरस का थर्ड वेव अगर नहीं आता है दोस्तों, तो मैं बता दूं ये जो इनकी जो रिजल्ट है दोस्तों, रिजल्ट है ना दोस्तों जो इसके, वो आप सोच भी नहीं सकते क्या देंगे दोस्तों। और मैं ना दोस्तों ये नहीं कह रहा कि शेयर भागे, क्योंकि मैं आपको हमेशा साफ बता दूं चीज, अगर ये शेयर भागेगा सरकार तुरंत अपना इन्वेस्टमेंट हटाएगी दोस्तों इसमें, और इसमें एक लगातार भयंकर गिरावट होगी जैसे एक्सिस बैंक में सरकार ने अपनी स्टेक कम किया दोस्तों। लेकिन दोस्तों एज ए इन्वेस्टर, एंड अगेन मैं कह रहा हूं एज ए इन्वेस्टर, हमें वो मौका लेना है खरीदारी का दोस्तों। ठीक है, और ये मेरी पर्सनल राय है दोस्तों, कोई खरीदारी और बेचने का मैं राय नहीं दे रहा हूं दोस्तों, ये मेरी पर्सनल राय है, एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपको ये दे रहा हूं कि भाई ये मेरी पर्सनल राय है, और आप कोई भी वित्तीय सलाह उठाने से पहले किसी भी अपने वित्तीय सलाहकार से बिना लिए परमिशन या सलाह लिए बगैर कोई भी बाइंग सेल पोजिशन ना बनाए इस वीडियो को देखने के मात्र से। ठीक है, नाउ आईटीसी सेड द कंपनी कंटिन्यू टू क्लोजली मॉनिटर द सिचुएशन एंड विल रिस्पॉन्ड इट एजिलिटली टू एनहांस इट्स मार्केट स्टैंडिंग व्हाइल मैनेजिंग रिस्क एसोसिएटेड विद द हाइटेंड अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस एनवायरमेंट। दोस्तों कोरोना वायरस, हर कोई आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि हर मैनेजमेंट एक लाइन जरूर जोड़ रही है कि भाई जो अनसर्टेनिटीज है कोरोना वायरस की, उसी कारण हम उतना अच्छा जो प्रेडिक्शन अभी बिजनेस का नहीं कर सकते जब तक चीज थोड़ी क्लियर नहीं हो जाती। और इनका आगे कहना यह था कि भाई लर्निंग इन डीलिंग विद द पैंडमिक स्पैनिंग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन ऑपरेशन इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर वी कंटिन्यू टू बी लेवरेज इन दिस रिगार्ड। दोस्तों कोरोना हर बोलते ना कि आपदा को भी हम कैसे अवसर बदल दें, दोस्तों ये जो भयंकर पीरियड आया ना उससे कंपनीज की जो सप्लाई चेन में जो प्रॉब्लम्स थी
उनसे लड़ने का, उनको एनहांस करने का मौका मिला, बिजनेस को एक नया नजरिया देखने का मौका मिला। और दोस्तों ई स्टोर्स थी ना कंपनीज की, वो बहुत अच्छे से इन्होंने अपने बढ़ाए, फिर चाहे वो आईटीसी हो दोस्तों या एचयूएल हो। ठीक है, आईटीसी आगे कहती है कि स्ट्रॉन्ग सिक्वेंशियल रिकवरी मूवमेंट सिगरेट हैड लेड टू वॉल्यूम रीचिंग नियरली प्री कोविड लेवल्स इन मार्च क्वार्टर बट द सेकंड वेव कॉज डिसरप्शन द कन्वीनियंस स्टोर ऑपरेशंस। दोस्तों जो गजब की रिकवरी हो रही थी और सिगरेट में तो लगभग प्री कोविड लेवल्स आ गए हैं, लेकिन जो सेकंड वेव आई जिसके कारण जो लेवल्स थी वो बहुत कम रहे, रिकवरी में बहुत झटके लगे, उसके बावजूद जो सिक्वेंशियल रिकवरी वो फिर भी ठीक ठाक है ना। इनका कहना है वीक ऑन वीक इंप्रूवमेंट हैज बीन अंडर वे सिंस मिड जून विद मोस्ट मार्केट्स रिटर्निंग टू नॉर्मल विटनेसिंग फास्टर रिकवरी कंपेयर टू द फर्स्ट वेव। सर्टेन मार्केट ऑफ केरला उड़ीसा एंड नॉर्थ ईस्ट स्टिल रिमेनिंग पार्शियली इंपैक्टेड। दोस्तों उड़ीसा अभी भी कंसर्न बना हुआ है, उड़ीसा और केरला तो दोस्तों पता नहीं वहां कैसे मैनेजमेंट हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट है वो कंसर्निंग चीज। बट स्टिल दोस्तों भगवान करे वहां चीजें सब ठीक हो जाए। ठीक है दोस्तों, वहां मार्केट अभी भी चैलेंजिंग है। नाउ ओवरऑल द सिगरेट सेगमेंट रेवेन्यू ग्रो 33% ईयर ऑन ईयर, एग्रीबिजनेस सेगमेंट रेवेन्यू ऑफ 9% ईयर ऑन ईयर। नाउ पेपर बोर्ड रेवेन्यूज कम इन टू 1,583 करोड़ ऑफ 54%, है ना। दोस्तों देखिए ये ईयर ऑन ईयर की जो रेवेन्यू है ना दोस्तों ये बहुत अच्छी है। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू को मैं इसीलिए इतना मेरा मन था कि मैं इसको पूरे डिटेल करूं, लेकिन देखिए दोस्तों डिटेल से ना चीजें समझ में नहीं आती हैं। जब ये देखिए रिजल्ट एक जो दिखाता है ये चीज को कि भाई रिकवरी की बात है, सिगरेट वॉल्यूम संख्या बढ़ रहे हैं, अब हमें बस ये देखना है कि आने वाले समय में अगर कोरोना वायरस की जो वेव है अगर वो कम होती है इस क्वार्टर दोस्तों और इन्हें फुल फ्लैश 3 मंथ मिलता है तो आप मान के चलिए ये ना मिरेकल करेंगे दोस्तों, मिरेकल करके रिजल्ट लाएंगे दोस्तों। और अगर ये भागता और गिरने का मौका दोस्तों, ये दो लेवल हमेशा याद रखिए, रुपीज 198 दोस्तों, 198 से रुपीज 200 का ये एक लेवल याद रखिए दोस्तों, और 190, ये जो तीन लेवल है दोस्तों ये बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन जोन है आईटीसी के लिए। और मुझे और आप जैसे लोगों को ऐसे मौके बिल्कुल नहीं गंवाने दोस्तों, और जब भी मौका मिले हमें इसमें खरीदारी करनी है, मतलब खरीदारी करनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जो रिजल्ट का मैंने वीडियो बनाया है ये इसलिए बनाया है एज अ आर्टिकल को लेकर के, क्योंकि दोस्तों इसमें ना अभी के जो रिजल्ट है उसमें जो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो ज्यादा जरूरी थी दोस्तों, और मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत अच्छी है दोस्तों। और मैं बता दूं कोई भी होप ऐसी मत रखिए कि बहुत तेजी से भागेगा दोस्तों, आज भी उसी रेंज में मुझे दिखता है 200 से लेकर के 235 के रेंज में दोस्तों। ठीक है, अगर गिरावट होती है एक्यूमुलेट कीजिए, भागती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है तो निकल जाइए, नहीं तो उसको रोक के रखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये इस वीडियो का अंत था। हमारे टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद, जय हिंद।